राकेश के अंदर है। हाँ जी हाँ जी है, कौन है? आइए। अरे राकेश, अरे श्यामलाल, कैसे हो? हाँ सब बढ़िया। और कुशल मंगल? बस कुशल मंगल। और अचानक दिल्ली आना कैसे हुआ? ऐसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था बच्चों के लिए। अच्छा, तो उस सिलसिले में दिल्ली आना हुआ। अब दिल्ली आऊं और तुम्हारे यहाँ ना आऊं, कैसे कैसे हो सकता है? अपने ही तो आते हैं अपने घर, कोई क्या थोड़ा आता है दूसरे घर पे। अच्छा भाई, बच्चे कहाँ हैं? भाई बच्चे भीतर हैं, आपको पता है आजकल स्कूल बंद है, छुट्टियां चल रही बच्चों। हाँ ये भी ठीक है भाई, तुम अपने ऑफिस चले जाओगे और मैं भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जल्दी फ्री हो जाऊंगा। हाँ सरकारी काम है, अब एक दिन में थोड़ा हो जाएगा। एक आदमी है, बात के लिए फोन, 10,000 मांग रहा है और तेरा काम हो जाएगा। अच्छा बताया उसने कितना समय लगेगा? कह रहा था एक हफ्ता लगेगा। अच्छा भाई ये सरकारी लोग हैं, एक सप्ताह क्या, एक महीना भी लग सकता है। क्या क्या किया जाए? निक्की, ये निक्की है ना? हाँ ये निक्की रघु है आपके। अरे वाह, इतना बड़ा हो गया। राधे राधे बेटा, राधे राधे। ये ला पापा। हाँ हाँ हाँ। शाबाश बेटा। और बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सिक्स्थ में आ गया। अरे वाह। अच्छा तुम नाव दो, मैं ऑफिस चलता हूँ। क्या आ जाना रजिस्ट्रार ऑफिस? नहीं कल सुबह 10 बजे जाना है। ठीक है अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ, मिट्टी रास्ता है तुम्हारी सेवा के लिए। भाई अब तो आस्था मिठी भी बड़ी होगी होगी, जब पिछली बार आया था तो छोटे छोटे से थे दोनों। हाँ भाई समय को भी कौन हो सकता है, पिछली बार आया था तो चालू भी थी, अब तो। हाँ आपका फोन गया था, उस वक्त तो हमारा स्वास्थ्य थोड़ा कुछ खराब था तो इसलिए चाहकर भी नहीं आ सकते हम। चलो भाई जैसी भी, जैसी खाना की मर्जी। अच्छा तुम चलो ठीक है, मेरी टेंशन मत। ठीक है। छह तीन। अच्छा अस्ता भी बात बताओ, छह खाना कौन बनाता है? नहीं बनाते हो? पापा नहीं बनाते? नहीं पहले पापा ही बनाते थे, पर जब से उनकी तबीयत खराब हुई तब से ये कमाल मैंने ही कमा लिया। हाँ खाना बनाना कुछ कुछ तो मम्मी ने सिखा दिया था। क्या हुआ था माँ को? हार्ट अटैक आ गया था माँ को। ओहो जरूर कोई टेंशन रहती होगी। पता नहीं। चार अंकल गोटी मिट्टी गोटी गई। हाय तेरे की। देखो उनको ध्यान से वरना पी वाली। चलो कोई बात नहीं भाई। अंकल ये वाली भी गई। अरे यार तुम बच्चे बड़े होशियार हो गए हो। मेरा क्या कर रहे हो? अभी सोमवार में कहाँ खेल होता है? चलो। अंकल ये देखो फिट गई फिट गई फिट गई। अरे यार तेरी। ये अंदर। यस। अरे क्या है यार, दो दो गोटियां पीट दी मेरी। अरे अंकल जी अभी तो एक ही पीटी है, अभी ये बहुत पीटने वाली है। आपको भूख लगी होगी अंकल, कुछ बना दूं? टाइम क्या हो गया, 4 बज गए। पापा को आते तुम्हारे? पापा तो 7 बजे आते हैं अंकल। 7 बजे? अच्छा ऐसा करो चाय बना ली जाए। अच्छा मैं बनाता हूँ चाय। नहीं नहीं अंकल आप बैठिए, मैं चाय बनाता। अच्छा अच्छा चलो अंकल अब सांप सीढ़ी खेलते हैं। चलो सांप सीढ़ी खेलते हैं, यहाँ तो गोटियाँ पिटेंगी वहाँ हम पिटेंगे। आप लो भाई हमारे भी 4 आ गए। 1 2 3 4 कितने ग्यारह भी तुम्हारा हुआ। नहीं अंकल 50 में काटेगा सब तो। अच्छा अभी हमें समझ ही नहीं आता। चलो यहाँ
यस एक दो तीन नहीं नहीं कितना है चलो चाय आ गई। अंकल जीत गया। हाँ हम जीत गए हम चाय पीते हैं। चलो लो चाय। अच्छा आशी बिटिया हम आपको एक कहानी सुनाते दोनों। हाँ हाँ सुनाइए। एक बार क्या हुआ एक जंगल में बहुत सारे जानवर इकट्ठा थे तो तभी हाथी ने एक चुटकुला सुनाया। अब उसे सुन के सारे जानवर तो जोर जोर से हंसने लगे। भला बेचारा चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा और सारे जानवर एक एक अब अगले दिन क्या हुआ जब सारे जानवर दोबारा वहां इकट्ठा हुए दोबारा मिले जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ अंकल जी? तो जो है सारे जानवर तो चुपके गधा जोर जोर से हंस रहा था। क्यों हंस रहा था अंकल जी वो? क्योंकि उसे कल जो चुटकुला सुना था वो आज समझ में आया था। अंकल मैं आपको एक शायरी सुनाऊं? हां बेटा जरूर सुनाओ। अंकल सुनो अर्ज किया है कि आप मेरे दिन में कुछ यूं समाए। वाह 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 वाह। आप मेरे दिन में कुछ यूं समाए जैसे बाजरे के खेत में गांठ बसाए। आपकी चाय तो ठंडी हो गई आइए मैं गर्म कर लाती हूँ। नहीं नहीं ऐसे पी लेंगे मेरी पेट भी गर्म हो जाएगी। भैया हमारी बारी। एक बार एक आदमी ने 70 रुपए का नोट छापा। उसने छाप तो लिया अब उसे चलाऊ कहा तो उसने कहा ऐसा गांव के लोग जो है थोड़े सीधे साधे होते हैं वो इसे छुट्टे दे देंगे ना। तो गांव गया गांव में एक आदमी के पास गया दुकानदार के पास कहा जी ये 70 का नोट है इसे छुट्टे दे दो। तो उस गांव वाले ने उसको 35-35 के दो नोट पकड़ा दिए। कि अर्थ किया है जरूरत नहीं है सितारों की जरूरत नहीं है यारों की। एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो बात लगा है। बच्चा बड़ा समझदार हो गया है भाई। ऐसा कुछ मनोरंजन हो जाए हैं। हाँ अंकल मैं आपको डांस करके दिखाता हूँ। चलो ढोल बजा दो। चलो चलता है पापा के आने का समय होगा। आशी अरे आने का समय नहीं वो देखो आ गए। आ गए जनाब। हाँ भाई अभी और सब ठीक ना? हाँ सब ठीक है। मैं तुम्हारे बच्चे बड़े होशियार है भाई। अच्छा एक बात समझ नहीं आई क्या तुम्हारे आते ही बच्चे जो अंदर दौड़ते क्या बात है? मेरा अपना रॉब है रॉब से रहता हूँ। अरे भाई ऐसा भी क्या रॉब की बच्चे खुल के जी भी ना सके। भाई मेरा तो ये तरीका है मुझे ज्यादा खेल पसंद नहीं। क्या है यार भाई परिवार में मजा तो तभी है जब बच्चे जो अपने पापा के साथ खेल सके हंस सके है ना घूम सके। ये थोड़ी ना घूम सुन बैठे बैठे बस पापा जी की जी मजूरी करते रहे। हाँ भाई क्या करें आपकी दिनचर्या कुछ ऐसी है। देखो ऐसा है कन्हैया ने भी कहा है कि सफारा का कुछ जगह सोता वही फूटता है जहाँ हंसी खुशी का माहौल होता है। ठीक है अच्छा ये बताओ कि शाहरुख खानी को अटैक कैसे आया? तो किसी से खाली कोई तो भी नहीं है। अब क्या बताऊं? देखो राकेश
परिवार में जब तक टेंशन रहेगी, हंसी खुशी का माहौल नहीं होगा, तब तक प्रगति नाम की चिड़िया अपने पंख नहीं फैला सकती। ठीक है, वही बच्चे तो जो है तभी अच्छे लगते हैं जब एक इधर से आवाज दे, एक इधर से फरमाइश करे। घर में चीखों होती रहनी चाहिए। हाँ भाई, गलती मेरी ही है, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने नहीं, कहो कन्हैया ने खोल दी। बोलो राधे 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 राधे। ज्ञान दीप महर्षि दयानंद सरस्वती, वेद रहस्य भजन गीत, ज्ञान का खजाना आर्यों का नजराना। दिन को जिसे न चैन था, न रात को आराम था, दिल में एक दर्द लिए फिरते सुबह शाम था। पथ की अपनी जान देके जान हम में डाल गया, उसका ही तो स्वामी दयानंद स्वामी नाम था। हेलो परिवार, देखना ना भूलें सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर ज्ञान दीप महर्षि दयानंद सरस्वती। उसका ही तो देव दयानंद स्वामी नाम था। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें आस्था के आंसू, आपका अपना यूट्यूब चैनल।